तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में वी हैव स्टडीड एपिडर्मल सेल्स ऑफ प्लांट्स जो कि एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती हैं एंड बहुत सारे फंक्शंस होते हैं दे आर एसोसिएटेड विद एपिडर्मल सेल्स. एपिडर्मल सेल्स के हमने बहुत सारे वॉट एवर फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर भी हमने स्टडी किया और उसके बाद हमने व्हाट वी हैड स्टडीड रिगार्डिंग दी कॉर्क सेल्स. कॉर्क सेल्स कैसे बनती हैं, हाउ दे आर फॉर्म्ड व्हेन प्लांट बिकम्स मैच्योर, देन आउटर पार्ट ऑफ द स्टेम, मैच्योर स्टेम जो होती है वो वुडी हो जाती है आफ्टर दी एक सेकेंडरी ग्रोथ. तो आउटर सरफेस जो बार्क कहलाती है वो भी एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही डिवेलप होती है जिसको हमने कॉर्क कैम्बियम का नाम दिया था. तो कॉर्क कैम्बियम ने ही बाहर की तरफ क्या बनाया था, फैलम और कॉर्क, दैट इज़ ऑल्सो ऑफ कमर्शियल वैल्यू. कमर्शियल वैल्यू थी और उसमें हमने लेंटिकल्स देखे थे, जो लेंटिकल्स वर प्रेजेंट ऑन दी बार्क एंड देवर मैंट फॉर दी गैशियस एक्सचेंज. रेस्पिरेशन का काम लेंटिकल्स के द्वारा होता था इंस्टेड ऑफ स्टोमा, स्टोमा को छोड़कर. और एक्चुअल में स्टोमा वाली सरफेस पेस्ट ग्रीन स्टेम जहाँ पे स्टोमा कंटेन करती है ना उसी सरफेस पे ही लेंटिकल्स आते हैं. तो ये तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी लिया है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू. क्या होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इट इज़ अ हीट्रोजिनस टिश्यू. हीट्रो मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज दे कंबाइन टू परफॉर्म सम कॉमन फंक्शन. एक तरह का हम कह लें कॉमन फंक्शन परफॉर्म करती हैं लेकिन वो एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं, ठीक है. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड दी कॉम्प्लेक्स टिश्यू. और प्लांट में देर आर टू मेन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कौन कौन से होते हैं, जाइलम इज देयर एज वेल एज फ्लोएम इज देयर, ठीक है. एंड दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ वस्कुलर बंडल्स. तो वस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट कैसे होती है ये तो हम एक डायग्राम की हेल्प से आई विल टेल यू कि इन वॉट मैनर होल ऑफ द टिश्यू, चाहे हम स्टार्टिंग से सिंपल पैरेन्काइमा टिश्यू की बात करें या कोलेन्काइमा की बात करें या हम स्कर्नकाइमा की बात करें या हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें, तो हम बाद में मैं आपको एक विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आई विल टेल यू वेयर सच काइंड ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट, व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दीज टिश्यूज, ठीक है. वो तो हम बाद में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट आर वेरियस काइंड ऑफ टिश्यू, कि प्लांट्स के टिश्यू कौन से हैं. अरेंजमेंट तो हम बाद में देखेंगे ही देखेंगे. तो उसमें हमने सिंपल टिश्यू पढ़ लिए, सिंपल परमानेंट पढ़ लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरिस्टेमेटिक पढ़ा, सेकेंड सिंपल परमानेंट. नाउ वी स्टार्ट विद द कॉम्प्लेक्स टिश्यू. तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड, मोर देन वन काइंड ऑफ टिश्यू. एक से ज्यादा सेल्स के बने होते हैं, एक से ज्यादा, मोर देन वन काइंड ऑफ सेल्स, ठीक है, डिफरेंट सेल्स के बने होते हैं. दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड हीट्रोजेनस. हीट्रोजेनस मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स that are having different shapes, different sizes, but they are performing the some common function. Kuch aisa general functions karti hain, jaise ki water conduction is done by the xylem and organic food material is transported with the help of phloem. To ye xylem and phloem are a sort of complex tissue of plants. ये दो मेन कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. और जाइलम भी हीट्रोजेनस टिश्यू है. क्यों हीट्रोजेनस है, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ फोर काइंड ऑफ सेल्स. इसी तरह से फिलोयम भी हीट्रोजेनस है, नॉट होमोजेनियस. होमोजेनस कौन सी होती हैं, जिनमें एक ही तरह की सेल्स होती हैं, जो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू में पढ़ी. पैरेन्काइमा में एक ही तरह की सेल थी, कोलेन्काइमा में भी एक ही तरह की सेल थी और स्कर्नकाइमा में वी हैव स्टडीड डिफरेंट, लेकिन वो डेड सेल्स थी. तो इसमें हमने देखना है कि जब एक ही तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं देन दे आर होमोजीनियस, जब एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स की सेल्स हैं देन दे आर कॉल्ड दी हीट्रोजेनस. हीट्रोजेनस मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स. तो एग्जांपल वी विल बी सी लुकिंग एट इन केस ऑफ प्लांट टिश्यू, जाइलम इज ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इट इज मेड अप ऑफ फोर सेल्स. इसी तरह से फ्लोएम, इट इज़ ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू, अगेन इट इज़ मेड अप ऑफ फोर सेल्स, ठीक है. तो अब हम इनकी डिटेल अकाउंट पढ़ते हैं, जैसे कि जाइलम से स्टार्ट करते हैं. तो जाइलम फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेरेटिव अकाउंट भी देखते जाएंगे सो दैट यू आर एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू. तो जाइलम की सेल्स फोर कौन कौन सी होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक अबाउट जाइलम,
main tracheids and second vessels. ठीक है, दोनों इसको vessels को हम trachea भी बोलते हैं. Trachea or also a term that is given to vessels. Vessels का दूसरा नाम trachea भी होता है. First one is tracheids, tracheids, and second one is trachea or vessels. At third, xylem fibers. And fourth, xylem parenchyma. पहले हम xylem पढ़ते हैं, फिर हम phloem पढ़ेंगे. ठीक है? तो अब इसमें हमने देखना है, ये तीन तो dead cells हैं. Three are dead cells. Three are dead cells, and one is living. What does it mean? कि initial condition पे जब ये बनते हैं ना, तब तो ये क्या होते हैं, थोड़े से living होते हैं. But at maturity, there starts deposition of some important carbohydrate और xylem के अंदर lignin की deposition होती है. तो dead cells are there due to deposition of lignin. Lignin is a type of carbohydrate जो इनकी inner tubular structures पे deposit होने शुरू हो जाते हैं. तो एक brief account हम tracheids की structure देखते हैं. सबसे पहले अगर हम tracheids का structure देखें तो वो tubular होती हैं. Tubular, tube-like होती हैं tracheids ऐसे. और tapering end होते हैं. Tapering end means उनके जो terminal position होती हैं ना, pointed होती हैं. और इनके अंदर जो lignin होता है, that has various forms of deposition. Spiral form में lignin deposit हो जाता है, या reticulate form में, यानी कि network like. एक दो और example बता देती हूँ, but it is not in your book. But I want to tell you because lignin की जो deposition के कारण they acquire different shape. ठीक है? And the main, they are responsible for conduction of water and mineral. Xylem की जितनी भी ये दोनों cells हैं ना, mainly इनको हम दोनों को हम क्या कहते हैं, tracheids and vessels को, दोनों मिलकर water conduction का काम करती हैं. That is why they are also called trachery element. इनको हम क्या कहते हैं, trachery elements. ठीक है? तो first of all I am giving you the structure of tracheids. Tracheids तो होती हैं tubular और pointed ends होते हैं. ठीक है? और इनके जो ends होती हैं ना, उनपे भी कुछ perforations, pitted like, कुछ pore like structures होते हैं. और ये जो tracheids होते हैं ना, they are placed from end to end. जैसे एक tracheid खत्म हुआ, दूसरा start होता है. तो इसके pores और इसके pores मिले हुए होते हैं. ठीक है? जिसके कारण एक channel like structure बनता है. तो अंदर की जो इसमें lignin की deposition ऐसे होती है कि continuous channel पानी का ऊपर पहुंचाया जा सके. ऐसे नहीं है कि रुकावट, मतलब pressure भी ज़्यादा और पानी भी रूट से स्टेम की तरफ होता हुआ और लीव्स में पहुंचाया जा सके. ठीक है? और इनकी एक स्पेसिफिक लोकेशन होगी, यानी कि जाइलम का जो रूट होता है, रूट का जाइलम, स्टेम का जाइलम और लीव्स का जाइलम. दैट मींस ट्रैकेट्स एंड वेसल्स वो सब मिलते हैं, उनकी आपस में इंटरकनेक्शन होती है इसी तरह से. सो दैट ए वाटर चैनल लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉन्टीन्यूसली ऊपर तक जाता है ताकि पानी रूट से होता हुआ स्टेम से और लीव्स तक जाया जा सके, जहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है. तो यही वाटर फोटोसिंथेसिस में भी काम करता है. एंड ट्रांसपिरेशन इज ऑल्सो देयर ऑन द सरफेस ऑफ लीव. वाटर भी लॉस होता है, जितना वाटर लॉस होगा उतना ही वाटर एंड मिनरल्स अब्जॉर्ब होंगे. और मेन एलिमेंट्स कौन सी हैं, ट्रैकेट्स. ट्रैकेट्स आर देयर एज वेल एज वेसल्स. तो ट्रैकेट्स की मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई कि इसमें स्पाइरल थिकनिंग कौन सी होती है, लिग्निन की डिपोजिशन के कारण. स्पाइरल लिग्निन डिपॉजिट हो रहा है, कई बार स्केलरी फॉर्म होती है जैसे सीढ़ी के आकार की, और भी बहुत सारी नेटवर्क लाइक होगी, पिटेड फॉर्म. पिटेड मींस डॉटेड फॉर्म में. तो ये डिफरेंट शेप्स होती हैं लिग्निन की. तो मैं तो दो आपको बता रही हूँ कि स्केलरी फॉर्म मींस सीढ़ी के आकार की लिग्निन की डिपोजिशन होती है. ठीक है? तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्रैकेट. ठीक है? और जाइलम इज ट्यूबुलर हैविंग पॉइंटेड एंड्स और इट इज ए डेड डेड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन. लिग्निन इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है? उसके कारण डेड हो जाता है. नेक्स्ट हम देखते हैं वेसल्स. Vessels are broader. अगर vessels को देखे ना, तो vessels they are broader but they are short. Tube, ये तो tubular लंबी लंबी होती है ना, ये छोटी छोटी होती हैं vessels. और इनको vessel cells बोलते हैं. लेकिन इनकी vessel cells छोटी छोटी आपस में मिलकर क्या बना देती हैं, एक syncite, एक complete लंबा tubular structure भी बना देती हैं, जो कि
एक पाइपलाइन की तरह काम करता है एंड वेसल्स या जिसका हम दूसरा नाम कहते हैं ट्रैकी दे आर मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ट्रैकेट्स ट्रैकेट्स के कंपैरिजन में वेसल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल का काम करती हैं और इनकी भी जो एंड वॉल्स होती है ना जैसे इनमें भी परफोरेशंस होती हैं पोर लाइक स्ट्रक्चर जो कि दूसरी उसके अपने साथ वाले वेसल्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं ठीक है तो इस तरह से एक वाटर कंडक्शन और पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है दैट इज़ फॉर मेंट फॉर दी कंडक्शन ऑफ वाटर कंडक्शन मीन्स ऊपर की तरफ पानी ले जाना पानी को नीचे से ऊपर की तरफ खींचना और ये वेसल्स के द्वारा होता है तो वेसल्स आर ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्या एंजियोस्पर्म जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना उनमें कंडक्शन का काम कौन करता है वाटर कंडक्शन इज डन मेनली बाई दी वेसल्स और ट्रैकेट वेसल्स वेसल्स के द्वारा एंड ट्रैकेट्स एंड वेसल्स जब दोनों ही करती हैं और ज़्यादा तो वेसल्स करती हैं ना एंजियोस्पर्म में करेक्टरिस्टिक फीचर है ठीक है एंजियोस्पर्म में ये करेक्टर होता है इंपॉर्टेंट कि वेसल्स आर प्रेजेंट ठीक है और जिम्नोस्पर्म्स जो कि हम प्लांट डाइवर्सिटी में देखेंगे जिम्नोस्पर्म्स इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स तो उसमें जो होती हैं वेसल्स एबसेंट होती हैं क्लियर वो उनका करेक्टरिस्टिक फीचर है वेसल्स आर एबसेंट इन जिम्नोस्पर्म्स और इसमें प्रेजेंट होती हैं और ट्रैकेट्स एंड वेसल्स दोनों मिलकर क्या बनाती हैं ट्रैकरी एलिमेंट्स व्हाट वी कॉल देम ट्रैकरी एलिमेंट्स ठीक है दिस इज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इवन इट इज नॉट मैंशन ए लिटल बिट इज मैंशन बट यू हैव टू लर्न वट एवर आई हैव टोल्ड यू जितना मैंने आपको बताया ना उतना करना जरूरी है ठीक है और नेक्स्ट बोथ ऑफ दीज आर डेड नेक्स्ट आते हैं जाइलम फाइबर्स दीज आर जाइलम फाइबर्स आर ऑल्सो डेड ये भी डेड होते हैं और इनके अंदर भी स्कनकाइमा फाइबर्स होते हैं दैट आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ मेच्योर सेल्स में होते हैं नॉट इन द यंग सेल्स मेच्योर सेल्स में और जब स्टेम का डायमीटर बढ़ता है तब प्रेजेंट होते हैं ठीक है डेड सेल्स होती हैं डेड एंड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट सुबरीन इनमें डिपॉजिट होता है डिपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिग्निन की डिपोजिशन होती है या सुबरीन मेनली तो लिग्निन होता है इसमें ठीक है और साइलम फाइबर्स जिनको हम स्कनकाइमा फाइबर्स भी बोलते हैं मैच्योर सेल्स में होते हैं और डेड होते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज लिग्निन और दे अपेयर ड्यूरिंग दी सेकेंडरी ग्रोथ इन सेकेंडरी सेल्स सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स जब एडिशनल डायामीटर स्टेम का इंक्रीज होता है ना उसको हम कह देते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इज इंक्रीज इन डायामीटर ऑफ ए स्टेम मेनली ऑफ ए स्टेम और ऑफ ए रूट जब भी उनका डायामीटर इंक्रीज होगा तो ये डेड सेल्स तब डेवलप होंगे प्राइमरी परमानेंट सिंपल टिश्यू में ये नहीं होते स्कनकाइमा सेल्स ये तो जब मैंने आपको सिंपल टिश्यू बताया था ना तब भी बताया था तो जाइलम का जो फाइबर्स होते हैं दे आर स्कनकाइमेटस इन नेचर और दे आर टू गिव एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट एडिशनल क्या फंक्शन होता है एडिशनल सपोर्ट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को जैसे कि हमें मालूम है कि जो वुड होती है ना दैट इज़ ए सेकेंडरी जाइलम ही होती है वुड और दैट सेकेंडरी जाइलम इज मेनली ट्रैकेट्स वेसल्स जाइलम पेरेन्काइमा एंड ऑल दीज थ्री आर डेड सेल्स ये होती हैं डेड सेल्स होती हैं एंड फोर्थ वन इज जाइलम पेरेन्काइमा इट इज लिविंग होती है थिन वॉल्ड ठीक है और इसमें क्या होती हैं इट इज़ ऑल्सो मेंट फॉर रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर रेडियल कंडक्शन मीन्स जैसे स्टेम नीचे से ऊपर तक तो पानी ट्रैकेट्स और वेसल से जाता है साइडवेज में भी तो जरूरत होती है ना दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ जाइलम पेरेन्काइमा तो वो जाइलम रेज की या मेडुलरी रेज की फॉर्म में या उनको हम पेरेन्काइमा रेज बोलते हैं उस फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है स्टेम के अंदर ठीक है पेरेन्काइमा या रूट्स के अंदर पेरेन्काइमा रेज की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है मोस्टली इट इज़ मोर डेवलप्ड इन सेकेंडरी टिश्यू अगेन और ये लिविंग होता है एंड इट इज़ ऑल्सो मेंट फॉर द रेडियल कंडक्शन एंड एडिशनल स्टोरेज ऑफ फूड मटीरियल इज ऑल्सो देयर इसकी जो सेल्स होती है ना लार्ज वैक्यूल इज देयर पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है लार्ज वैक्यूल एंड डिपोजिशन ऑफ क्या होती है ऑयल जो भी स्टोरेज होता है स्टार्च भी होता है स्टार्च ऑयल और इवन इन जब ये सेल्स डेड हो जाती है ना तो
तो इनमें रेजिन टैनिन गम वगैरह भी डिपॉजिट हो जाता है दैट इज़ ऑल्सो अगेन ऑफ कमर्शियल इम्पॉर्टेंस फॉर दी ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग के लिए कमर्शियली इंपॉर्टेंट होते हैं टैनिन गम रेजिन, वो उसको कमर्शियली डेराइव करते हैं एंड दे मेक वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम दैट, बहुत यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं उससे. तो दिस इज रिगार्डिंग दी जाइलम टिश्यू. ठीक है, जाइलम टिश्यू. अब हम देखते हैं फ्लोएम की. तो जाइलम टिश्यू में व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड, इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड इट इज मेड अप ऑफ फोर सेल्स. फोर सेल्स का बना हुआ और इसमें क्या क्या होती हैं, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, ट्रैकरी एलिमेंट्स. और इन ट्रैकरी एलिमेंट्स को हम एक और नाम भी दे सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न, जिसको हम हार्डोम बोलते हैं. हार्डोम, ठीक है, दिस इज अनदर नेम ऑफ जाइलम की ट्रैकेट्स एंड वेसल्स. ठीक है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स आर देयर, वेसल्स आर ब्रॉडर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ट्रैकेट्स. लिग्निन की डिपोजिशंस होती हैं. ठीक है, वेसल्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स बट दे आर ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म में वाटर की कंडक्शन मेनली वेसल्स के द्वारा होती है. जाइलम फाइबर मैंने आपको बताया, सेकेंडरी ग्रोथ जब भी डायमीटर इंक्रीज हो करना होता है तो वुड की जो स्ट्रेंथ, वुड क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम. ठीक है, सेकेंडरी जाइलम मीन्स यही सारी सेल्स मिलकर वुड बनाती हैं, तो उस वुड में एडिशनल जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ना, दैट इज ड्यू टू दी फाइबर्स. इसका मैं डायग्राम बनाऊंगी, देन आई विल टेल यू अगेन, स्टेम का एक ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके बताऊंगी, देन आई विल टेल यू कि इन व्हाट मैनर दीज ऑल डिफरेंट टिश्यू, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर अरेंज्ड. एंड जाइलम पेरेन्काइमा इज ए लिविंग सेल मेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मटीरियल. ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग दी जाइलम. नाउ वी कम टू दी फिलोएम. सेकेंड इज कंपेनियन सेल्स. तो फर्स्ट सीव ट्यूब एंड सेकेंड इज कंपेनियन सेल्स, देन फिलोएम पेरेन्काइमा. एंड फोर्थ वन फिलोएम फाइबर्स. अब इसमें क्या है, थ्री आर लिविंग, तीन तो सेल्स ऊपर वाली लिविंग है, सीव ट्यूब्स कंपेनियन सेल्स फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर इज ए डेड सेल. ठीक है, तो ये एक एक सेल डेड है, जबकि जाइलम में थ्री डेड थी और वन वाज लिविंग. ये तो मैंने उस वक्त बताया था जब हम जाइलम कर रहे थे. तो अब इसमें सीव ट्यूब कैसी होती हैं, दे आर अगेन लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. सीव ट्यूब्स आर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड दे आर हैविंग पेरीफ्रल साइटोप्लाज्म, साइट पे साइटोप्लाज्म होता है एंड दे आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, एंड दे आर एंड वॉल्स आर हैविंग पोर्स, सीव लाइक एरियाज होते हैं इनके एंड में. व्हाट आर प्रेजेंट, सीव लाइक एरियाज. सीव लाइक एरियाज मीन्स कुछ छलनी के आकार के पोर्स होते हैं एंड वॉल्स में. अब सीव ट्यूब एलिमेंट्स बोलते हैं, तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल सीव सेल्स, छोटी छोटी सीव सेल्स से मिलकर बनती हैं. और उनकी सीव सेल्स के जो बीच में, जैसे मान लो ये छोटी सेल्स हैं, एक छोटी सेल है, दूसरी छोटी सेल है, तीसरी छोटी सेल है, इनके बीच में ये सेल्स डिजॉल्व हो जाती है ना, तो एक लंबा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसको हम कह देते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट. अब हमें पता चल गया सीव सेल्स अलग होती हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स अलग होते हैं. तो सीव सेल्स तो जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होती हैं, ये भी एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, और सीव ट्यूब एलिमेंट्स जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती हैं. कंपेनियन सेल्स भी जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होती हैं, बट ये एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होती हैं. जितने भी ये वाटर कंडक्टिंग मटीरियल है ना, दे आर मेन करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म. और एंजियोस्पर्म्स कौन से होते हैं, हाईली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म. ये हम डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में डिटेल में इसके करेक्टर्स बताऊंगी मैं आपको, लेकिन मैं अभी आपको बता रही हूँ जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं दे आर हाईली इवॉल्व्ड एंड दे आर ऑल दे आर एडवांस्ड ऑफ ऑल द ग्रुप्स ऑफ द प्लांट्स. और प्लांट्स में एंजियोस्पर्म से जो थोड़े से कम एडवांस है ना, वो जिम्नोस्पर्म्स हैं. तो जिम्नोस्पर्म में सीव सेल्स होती हैं, सीव ट्यूब, ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ही बनता, और ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर किस में बन गया, एंजियोस्पर्म्स में. और ये सीव ट्यूब्स अगेन दे आर कंडक्शन, दे आर मेंट फॉर कंडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटीरियल. कहाँ बनता है, फूड मटीरियल लीव्स में, तो लीव्स में बनता है ना, तो वहाँ की जो सीव ट्यूब्स होती हैं उसमें लोड होता है ऑर्गेनिक फूड मटीरियल, और वो नीचे जाता है, ऊपर नीचे ग्रोइंग रीजन्स में, जहाँ पे भी जरूरत, यंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में, वेयर एवर देयर इज ए नीड ऑफ फूड, इट गोज टू दैट साइड विद द हेल्प ऑफ सीव ट्यूब्स. सीव ट्यूब्स की हेल्प से जाता है. और ये लिविंग होती हैं, ऑल्दो देयर इज नो न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, फिर भी ये लिविंग है, क्योंकि साइटोप्लाज्म होता है पेरिफेरल. बीच में
vacuola that is large inside and it is filled with organic food material. जैसे कि sucrose बनता है ना photosynthesis से glucose बनता है और glucose किस में convert हो जाता है? Sucrose में. Sucrose पानी में dissolve होकर सब इसमें load होता है और फिर वो जाता है जहाँ जहाँ पे इसको ज़रूरत होती है. ठीक है? तो leaves में से होता हुआ downward, sideways और upward. तो multi-directional flow is there of किसका? Phloem के transport का. लेकिन xylem के transport का क्या था? From lower to the upper. That is from the root to the stem to the leaves. And that was a unidirectional flow. तो उसका flow तो unidirectional था. इसका flow multi-directional है. Phloem की conduction का. ठीक है? ये भी एक बहुत major difference है. ठीक है? तो ये हमने mind में रखना है. और इसमें मैंने आपको बताया कि जैसे ये tubular structure है ना? अब इसके अलावा यहाँ पे भी इसके tubular structure में sieve-like areas जिनको हम कहते हैं sieve plates. इस तरह से plate-like structures होते हैं. इसको थोड़ा और enlarge करके बनाती हूँ मैं, so that sieve plate आपको clear हो जाए. जैसे ये pore-like structures होंगे ना, तो एक plate-like structure नजर आता है और सब छन कर filter होकर जाता है, यहाँ से sieve होकर जाता है organic food material. एक sieve tube से दूसरी sieve tube जहाँ जहाँ भी होगा. तो और sideways में भी इनकी connections होती हैं sieve tubes की. किसके साथ? Companion cells. जो इनकी second cells होती हैं ना, they are called the companion cells. अब companion cells कैसी होती हैं? They are having nucleus. ठीक है? ये तो companion cells है. या supporting cells भी बोलते हैं, companion cells और supporting cells. और ये sieve cells हैं. इन दोनों को मिलाकर हम sister cells भी बोलते हैं, sieve tubes, sorry, angiosperm में तो sieve tube. इन दोनों को मिलाकर we call them sister cells. ठीक है? क्योंकि companion cell का जो nucleus है sieve tubes के skip को पूरा control regulate करता है. और इसके अलावा whatever pressure इसमें पानी का या sugar का जो भी pressure होता है ना food material का, that is maintained by the companion. ज़्यादा होता है तो ये pit fields, यहाँ पे कुछ connections होती हैं cytoplasmic, वो उनको हम कहते हैं pit fields. ऐसी pit fields ना xylem के उसमें भी होती हैं आपस में. जब xylem ऐसे-ऐसे जुड़े होते हैं ना, मैंने आपको बताना, I forgot to tell you, तो pit fields, direct cytoplasm इसका और इसका मिलता है, तो एक connection develop हो जाता है. तो जब भी यहाँ ज़्यादा pressure होगा, तो वो पानी organic material companion cells में चला जाएगा, और कम होगा तो companion cells से इधर आ जाएगा. तो इस तरह से companion cells क्या करती हैं? Regulate करती हैं sieve tubes के pressure को. और nucleus भी क्या करता है? Sieve tube के nucleus को, की sieve tube को पूरा control करता है. ट्यूब में तो न्यूक्लियस होता नहीं ना, तो इसीलिए इसको हम सिस्टर सेल भी बोलते हैं. ये कंपेनियन सेल्स इन सीव ट्यूब को कलेक्टिवली काम करती हैं, दे आर कॉल्ड दी सिस्टर सेल्स. एंड कंपेनियन सेल्स मीन साथी सेल, फ्रेंड, एक तरह का ये इसका कंपेनियन है. ठीक है? तो इस तरह से ये दोनों मिलकर काम करती हैं. और इसके अलावा इनमें क्या होते हैं सीव ट्यूब में? कुछ पी प्रोटीन भी होते हैं. पी प्रोटीन कुछ स्पेशल प्रोटीन होते हैं जिनको हम फिलोएम प्रोटीन बोलते हैं. दे आर ऑल्सो helping in conduction of organic food material. Organic food material की conduction में help करते हैं. इन pore-like areas में से निकल के जाते हैं. Strand-like proteins होते हैं जिनको हम pea protein बोलते हैं. ठीक है? और next आता है phloem parenchyma. Is again meant for the storage as in case of xylem parenchyma. ठीक है? Storage का भी काम करते हैं. Living cells होती हैं, having storage of reserve food material, waste, non-living material, whatever I told you, all that is deposited in xylem parenchyma as well as in phloem parenchyma. It is also a living cell. Living हो गई. अब तीन तो इसमें living हो गई. Again, phloem fibers are bast fibers. Phloem fibers are dead only. Sculenchyma fibers होते हैं, bast fiber बोलते हैं, और ये भी during secondary growth develop होते हैं. ठीक है? और additional strength provide करते हैं. And they are commercially useful also. They appear during the secondary growth. और bast fiber को human अपने commercial use में use करता है, जैसे coconut के fibers होते हैं, bast होते हैं. ठीक है? Sun hemp and bast fiber. Sun hemp पे flowering plant से product मिलता है और bast fiber. Jute. सन हैम के भी बास्ट फाइबर और जूट, ऑल दे आर कमर्शियली इम्पॉर्टेंट. ठीक है? दे आर मेड यूज फॉर मेन फॉर्मिंग बैग्स या जो फुट जो होते हैं हमारे उसको करने के लिए, या वट एवर डिफरेंट पर्सेज वगैरह उन सब को बनाने के ये काम आते हैं. कारपेट्स वगैरह में भी, या हम कह लें जो भी हमारे ये गद्दे वगैरह होते हैं ना,
ऑल दे आर मेड अप ऑफ कोकोनट कॉयर. बहुत सारे कमर्शियल यूजेज होते हैं, ठीक है, तो उसके काम आते हैं. ऑल दे आर बास्ट फाइबर एंड इन प्लांट्स दे आर गिविंग दी एडिशनल सपोर्ट. जब भी प्लांट्स के अंदर होते हैं तो एक एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. तो इस तरह से ये जो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, दे आर कंसर्न विद कंडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल. तो फ्लोएम इज कंसर्न विद कंडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटीरियल, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटीरियल. ये का मेन फंक्शन हो गया, दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है. एंड सेकेंड, मल्टी डायरेक्शनल फ्लो, ये भी हमने अपने माइंड में रखना है. यूनिडायरेक्शनल नहीं होता, मल्टी डायरेक्शनल होता है. यूनिडायरेक्शनल तो हमने जाइलम में देखा था ना, इसमें मल्टी डायरेक्शनल मेनली बाई डायरेक्शनल. ग्रोइंग रीजन में जाता है अपर पार्ट फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स, जहाँ पे ग्रोइंग ग्रोथ हो रही होती है, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है. अब इनको दोनों को मिलकर क्या कहते हैं, एक और नाम है, जैसे उनमें हार्डरोम था ना, इनका सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स को हम बोलते हैं. दोनों ही कंडक्टिंग है ऑर्गेनिक फूड मटीरियल के, देन दे आर कॉल्ड द लेप्टोम. इनको हम क्या कहते हैं, लेप्टोम. तो दीज आर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फिलोयम अलॉन्ग विद दियर फंक्शंस. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट. नाउ दिस कंप्लीट्स अवर वॉट एवर वी आर टेलिंग, आई टेलिंग यू, कि जो भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है इट इज़ इनफ फॉर यू. जितना भी तुम्हारे लेवल का है, नाइन्थ क्लास के स्टैंडर्ड का, इट इज़ इनफ. नाउ वी कम टू हाउ दिस टिश्यू आर अरेंज, सिंपल एंड पैरेन्काइमा टिश्यू अरेंज कैसे होते हैं, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम.